नमस्कार, मैं शालू तोमर। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जालौन में प्याज की कीमतों के बढ़ोतरी ने लोगों के मुंह का जायका ही बिगाड़ दिया है। एक हफ्ते में प्याज की कीमत में 25 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह बढ़ती प्याज की कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी है। पिछले एक हफ्ते में प्याज की खुदरा और थोक कीमतों में 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसे में प्याज ने एक बार फिर महिलाओं के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। जालौन की सब्जी मंडियों में प्याज के भाव फुटकर में 25 से 50 रुपए किलो हो गए हैं, जबकि थोक मंडी में 40 से 42 रुपए किलो हो गए हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वे लोग इंदौर से माल मंगाते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में अचानक हुई प्याज के दामों में बढ़ोतरी से दुकानदारी भी कम हुई है। आमतौर से लोग 3 से 4 किलो प्याज खरीदते थे, वह 1 से 2 किलो तक की ही प्याज खरीद रहे हैं। घरेलू महिलाओं ने कहा कि प्याज ने उनके घर का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में आने वाले क्या प्याज की क्या रेट चल रहा है बाजार में और क्या इफेक्ट हो रहा है? 40 चल रहे हैं, 50 चल रहे हैं, कहीं कहीं अब बता इतनी महंगी हो रही है, मीडियम हो गई, फिर क्या करेंगे? इससे क्या आपको परेशानी हो रही है? परेशानी क्यों हो रही है? इसको कितना चाहिए और इससे परेशानी और हो रही है, महंगी बढ़ती चली जा रही है, क्या फायदा है जीएसटी लगने से? अभी अभी त्योहार आ रहा है, कैसे कैसे आप लोग त्योहार मना पाएंगे? कैसे आप जब आप महंगी महंगी करते चले जाओगे फिर कैसे क्या होगा? इससे हम सब गरीब लोगों का तो होनी चाहिए, ये चीज पे खान पे इस पे वो होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, चीज लग रही है ना। अभी यही समस्या है कि महंगी है, समस्या है, त्योहार भी आने वाला है, सब चीज मतलब हर चीज ना, त्योहार और प्याज तो रोज को खर्च, रोज के खर्च है। आज आपने प्याज लिए कितने रुपए किलो लिए? 40 दही। पहले सस्ती थी प्याज, क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी हम ही को कहा, सब लोगों को परेशानी है, हम ही एक कहा। प्याज के क्या दाम पे बढ़े हैं और क्या परेशानी हो रही है? प्याज के दाम कम से कम 1-1.5 महीने पहले 50 रुपए 60 रुपए दाम थे, अभी भी जो वही दाम चल रहे हैं 40-50-60 रुपए। इससे आम इंसानों को क्या परेशानी हो रही है? आम इंसान को बहुत परेशानी है, जो आदमी आधा किलो लेता था वो 1 किलो लेता था वो 250 ग्राम ले रहा, आधा किलो ले रहा। त्यौहार आ रहा है, इस पे क्या असर पड़ेगा? त्यौहार पे तो असर पड़ेगा सर। जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट।